हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल एस एम मोतीजिल कुकिंग और आप है सुनील गुरु के साथ। सो दोस्तों, आज बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर के आया हूँ। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई को चढ़ाया है, उसके बाद हमने सरसों का तेल थोड़ा सा हमने डाला है और सरसों का तेल को गर्म करने के बाद हमने 2 से 3 लाल मिर्च हमने ऐड किया है और उसके बाद दोस्तों हमने थोड़ा सा जीरा गोटा जीरा हमने डाल दिया है। तो दोस्तों ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और उसके बाद हमने मीडियम साइज का एक प्याज है उसको काट करके हमने रखा था, उसको हमने डाल दिया। उसके बाद थोड़ा सा नमक और उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट हमने डाल दिया। दोस्तों इसको पूरी तरह से पका लेना है। पकाने के बाद क्या करना है दोस्तों, आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, ये रेसिपी आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। उसके बाद दोस्तों ये आलू था, 2 बड़े साइज का आलू था, उसको काट करके हमने रखा था। आलू के बाद हमने ये छोटे छोटे पीस में टमाटर काट करके रखे थे। आलू और टमाटर का रेसिपी आपको हम दिखाएंगे जो कि आज बहुत ही कम समय में आप फटाफट बना सकते हैं। ये सब्ज़ी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों, खास करके बच्चा लोग को बहुत पसंद होता है ऐसा सब्जी। ये हमने थोड़ा सा नमक डाला है, स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं और इसको पूरी तरह से मिक्स कर लेना है। जैसे देख सकते हैं हमने मिक्स कर लिया है दोस्तों, ये सब्ज़ी बहुत ही मज़ा आएगा। आलू और ये टमाटर तो शायद आपने कई तरीके से बनाए होंगे, लेकिन ये आपको मैं एकदम सिंपल तरीके से बताने जा रहा हूँ। एकदम सिंपल, कोई इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एकदम सिंपल तरीका है। आप देखिए दोस्तों, हमने मसाला को किस तरह से ऐड कर रखा है। सबसे पहले हमने ऐड किया है हल्दी, उसके बाद जीरा, धनिया और लाल मिर्च पाउडर। ये 4 मसाला ऐड करने के बाद दोस्तों इसको मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह से मिला लेना है। मिलाने के बाद दोस्तों क्या करना है, आपको ऊपर से ढक्कन लगा लेना है। आपको ये ढक्कन आपको 2 से 3 मिनट तक ढक लेना है। ढकने के बाद दोस्तों ढक लेना है, फिर मिला लेना है और ऊपर से दोस्तों क्या करना है, आपको पानी ऐड कर लेना है। देखिए हमने पानी डाल दिया है, 1 गिलास हमने पानी डाला। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको सिंपल सा ढक देना है। ढकने के बाद दोस्तों इसको कम से कम 3 से 4 मिनट तक छोड़ देना है और आपका आलू पूरी तरह से पक जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं कितना स्वादिष्ट, कितना मज़ेदार बोला ये सब्जी दोस्तों, आपका एकदम सिंपल कम समय में आप बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो हमारे 11 से चैनल में सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फिर मिलते हैं, देखते बाद बाय।